तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको प्लास्टिक कूलर के चार तार वाले मोटर के सप्लाई के बारे में बताएंगे कि ये कैसे चलता है और कैसे काम करता है, ऐसे कौन कौन से मेन वायर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में चार वायर हैं इसी के मोटर के, देख सकते हैं इसी में से आ रहा है मोटर से। तो आप देख सकते हैं, पहला रेड है, फिर वाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि हमेशा हम लोग मेन ब्लू लेते हैं, तो मेन ब्लू ही होता है रियल में। और ये जो तीन होती है इसकी स्पीड होते हैं, लाल वाला लो होता है, वाइट वाला मीडियम होता है, और काला वाला हाई होता है। तो इस हिसाब से ये मेन होता है। अगर आपको दो तार यानी कि डायरेक्ट चलाना होता है ना, तो आपको सिर्फ ये दो तार लेना होती है, दो तार का आपको काट काटा दो या इस पर टेप लगा दो। यानी कि अगर आप दोनों मेन करते हो यानी कि डायरेक्ट करना चाहते हो, तो इन्हीं दो का काम पड़ेगा, इन दो का नहीं। अगर आप चार पॉइंट में लगाओगे तो ये तो आपका मेन हो जाता है, और ये तीन लगेंगे, ये लगेगा आपको पहले नंबर में, ये लगेगा दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो चलो हम आपको इसके स्पीड चेक करके बताते हैं। तो हम आपको इसके बारे में चेक करके दिखाते हैं कौन सा कितने स्पीड पर चलता है। तो अभी चलो देख सकते हैं आप, हमारे पास सीरीज बोर्ड होता है, ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। पहले हम लगाएंगे सीरीज में, देख सकते हैं हमारा सीरीज लाइट चल रहा है। और पहले हम लेते हैं ब्लू और रेड को लेंगे, जो हम लोग का मेन सप्लाई बोला जाता है। अब देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको और इसको लगाया है तो सही जल रहा है, देखिए सही जल रहा है। इसको भी लगा रहे तो सही जल रहा है, इसको भी लगा रहे तो सही जल रहा है, ठीक है। अब हम आपको मेन में लगा के दिखाएंगे। आप मेन में देख सकते हैं कि मैंने इसमें और इसमें लगाया है तो ये लो चल रहा है, सबसे कम स्पीड चल रही है। अगर मैं इस पर लगाता हूँ वाइट में तो ये मीडियम चल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड इस मीडियम चल रही है, और इस काले वाले पे लगाते हैं तो सबसे हाई चलता है। तो अगर आपको कभी लगे कि आज गर्मी कम है, इस महीने में कम हो रही है, तो आप कम स्पीड में चला सकते हैं ब्लू और रेड में लगा के। अगर आपको लगता है कि गर्मी ज़्यादा आ रही है तो आप सीधे ब्लू और ब्लैक को लगा दीजिए, और ये दोनों को बंद कर दीजिए। तो इसी के वजह से आपका कूलर तेज़ और कम स्पीड में चलता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।